दोस्तों वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो टाइम हो रहा है 11:30 बजे का और मेरा बेटा जो है अभी तक सो रहा है। टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता ही लग गया होगा, आज है मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे और आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड आज का व्लॉग बनाने के लिए भी और अपने प्यारे से बेटे को उठाने के लिए भी, क्योंकि अभी तक सो रहा है। इसे बहुत देर से उठा रही हूँ, उठ नहीं रख। हैप्पी बर्थडे बन्नी, हैप्पी बर्थडे बन्नी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। उठो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चा। चलो इसे उठा लेती हूँ, कुछ खिला पिला देती हूँ, फिर अच्छे से। दोस्तों अब मैं मिल रही हूँ सारा घर का काम खत्म करने के बाद आपको पूरा 1:30 बजे, और मैंने सब्जी भी बना ली है, आलू बैंगन की सिंपल सब्जी बनाई है। थोड़ा जल्दबाजी इतना है इसलिए मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, और वैसे भी सिंपल ही बनाई थी तो इसलिए मैंने शेयर नहीं करी है। और अब करूंगी बर्थडे की थोड़ी तैयारी, पहले मैं बना लेती हूँ लंच। आलू बैंगन की सब्जी मैंने बना ली थी काम करते करते ही, और घर देख सकते हैं आप मेरा एकदम नीट एंड क्लीन है। और इसी के साथ आप मिल लीजिए बर्थडे बॉय से। तो अभी जो है इसने ये पहना है, शाम को कुछ और पहनेगा, तो बने रहिए व्लॉग में। ये व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और मेरे बच्चे को जो है आप लोग भर भर के दुआएं दीजिएगा, क्योंकि दुआओं से बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं होता है गाइस। तो चलिए चलते हैं किचन में पूड़ी बनाने। तो दोस्तों मैं किचन में आ गई हूँ। आटा मैंने लगा के रख दिया था और आपने देखी भी होंगे मैंने लोइयाँ बना के रख दी है ताकि जल्दी जल्दी मेरी पूड़ियाँ बन के तैयार हो जाए। और बिजी तो मैं इतनी थी कि मेरे सर पे जो टॉवल है से आपको पता लग रहा होगा कि मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती था। तो मैंने ये पूड़ियाँ उतारी हूँ एक गैस पर, और दूसरे गैस पर जो है मैंने सब्जी को गर्म करने रखा है। आज थोड़ी जल्दबाजी वाली सब्जी बनी थी इसलिए मैंने कुकर में बना लिया, वरना आलू बैंगन का जो स्वाद आता है ना वो सिर्फ कढ़ाई में आता है। पर थोड़ी जल्दबाजी थी इसलिए मैंने कुकर में 2 सीटी के अंदर ही बना ली। पूड़ियाँ बन के रेडी है, थाली लग के रेडी है, तो फिर देर किस बात की। आइए हाथ मुंह धो के और खाइए गरम गरम खाना, आलू बैंगन की गर्मा गर्म सब्जी पूड़ी और साथ में तीखा चटपटा हरी मिर्च का अचार। तो बस आज के दिन पूरे दिन सॉन्ग लगा रखे थे मैंने, क्योंकि आज का दिन रोज़ रोज़ नहीं आता है। और ये बच्चे जो है हम लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड थे, खासतौर पर हनी बनी, दोनों ही कहते बस खाना वाना खा लिया है, हम ये सब फुला लेते हैं। मैंने ज़्यादा बैलेंस नहीं मंगाए थे लेकिन जो भी हाथ में ये सब इन्होंने फुला लिया था। अब ये है शाम का टाइम, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। इस बीच में मैंने बहुत कुछ किया था, आपको सब कुछ प्रिपरेशन तैयार लग रही होगी। चिकन वगैरह बना लिया है, अब ये मैंने जो राइस है इनको उबाला है और चिकन के ऊपर डाला है, क्योंकि चिकन बिरयानी है और इसके ऊपर मैं कलर 2 ऐड कर रही हूँ। आप देख ही सकते हैं ऑरेंज और येलो और वाइट कलर के हमारे राइस हैं। इसको दम लगाने रख दूँगी केवल 5 मिनट के लिए। और साथ में बनाया है मैंने बटर चिकन, अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अच्छा, मैंने बटर चिकन की एक रेसिपी डाल भी रखी है, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अब इतना स्वाद खाना बना था, इतनी मेहनत लगी थी, बच्चे का बर्थडे है तो माँ को बर्तन मांजे बगैर चैन नहीं आएगा, ये काम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 5 मिनट हो चुके हैं, गैस वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दी है। यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी आप लोगों के सामने ओपन कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी कहीं से जली नहीं है, एक एक दाना खिल के आया, कलर एकदम परफेक्ट मिक्स एंड मैच हुआ है, तीनों कलर मस्त लग रहे हैं। तो दोस्तों घर को सजाने की बारी आती है, अब सजा लेते हैं घर को। सारा काम ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसके बाद जो है रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे, मुझे भी तैयार होना है, बर्थडे बॉय को भी तैयार करना है। तो बस फटाफट से यहाँ पे जो है मैंने झालर लगा दी है। बस यहाँ पे मेरे से एक ही गलती हो गई थी, झालर जो है मैंने 2 मंगवाई थी और 2 ही लाया था हनी, लेकिन मैंने सोचा एक में ही काम हो जाएगा तो एक जो है मैंने वापस करवा दी थी। फिर जब मैंने लगाई तो मुझे एक कम लगी, लेकिन जब पूरा सज गया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलिए इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छे से डेकोर कर दिया है, अब बस हनी बनी को फटाफट से तैयार करती हूँ और मैं भी तैयार होके अब आप लोगों से मिलूंगी, वरना बहुत ज़्यादा काम जो है लेट हो जाएगा क्योंकि अभी केक वगैरह भी लेने जाना है। तो चलिए पहले तैयार हो लेते हैं फिर केक लेने चलते हैं, और बर्थडे बॉय से जरूर मिलवाऊंगी। बहुत 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 क्यूट लग रहा है, इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा है पर वो बहुत क्यूट लग रहा है सच में। Congratulations and celebration.
तो दोस्तों बर्थडे बॉय आपको कैसा लगा? आई होप सो आपको बर्थडे बॉय बहुत 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 ही प्यारा लगा होगा। और यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ। नहा तो मैं सुबह ही लेती, लेकिन वही है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है, घर का काम करते करते, खाना बनाते बनाते अच्छी खासी स्वेटिंग हो जाती है, तो इसलिए एक शावर तो बनता ही था शाम के टाइम। तो बस नहा ली हूँ, उसके बाद मैं तैयार हो रही हूँ। और मैं अपने लिए जो है ये पैंट वाला सूट लाई थी, इसका फाइनल लुक अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। सूट कैसा लग रहा है? प्योर कॉटन का है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सब लोग तैयार हो चुके हैं, अब मेरी बारी है, तो मैं क्यों ना तैयार हूँ? बर्थडे बॉय की माँ तैयार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये है मेरा फाइनल लुक, लंबे लंबे एयरिंग, बाल खुले हुए। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसे ओकेजन पे बाल खुले ही अच्छे लगते हैं। और ये है मेरा क्यूट बर्थडे बॉय, कितना क्यूट लग रहा है। आज मैंने इसको काला टीका भी लगाया है, और ये मैंने इसकी प्यार भरी बलाएँ उतारी हैं। और ये हनी के कपड़े रखे हैं क्योंकि वो नहाने गया है। और ये है मेरा फाइनल लुक, ये है इसकी पैंट और कुर्ता, कैसा लगा बताना ज़रूर। तैयार वगैरह होके हम लोग चले गए थे केक शॉप पे, ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है, और ये बहुत अच्छी केक शॉप है। इधर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होगा जो आपको मतलब कि ना फ्रेश ना मिले, हर एक चीज़ फ्रेश मिलती है। बहुत ही टेस्टी केक होता है, वरना हम लोग पहले यहाँ से करोल बाग जाया करते थे, वो थोड़ा दूर पड़ता था, लेकिन अब घर के पास ये सहूलियत हो गई है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमने बर्थडे बॉय को कैप पहना दी है, और ये होती है केक ओपनिंग की तैयारी। तो बस आ जाइए आप भी, केक ओपन करते हैं मिलकर। तो दोस्तों केक आपको कैसे लगा? होप्स बहुत अच्छा लगा, खास तौर पे पिंक कलर का फ्लाई, आई लव इट। तो यहाँ पे जो है कैंडल्स लग रही हैं, अब मिलवाती हूँ अपने गेस्ट लोगों से। ये है मेरी भाभी, और पीछे जो वाइट कपड़ों में है हनी का दोस्त है, ये है मेरे भतीजी भतीजा, और ये सबसे छोटा बच्चा मेरा भाई है। तो चलिए करते हैं केक कटिंग की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पे केक कटिंग बहुत अच्छे से हो गई है। तो बनी जो है अपने दादू को केक खिला रहा है, उनके लिए भोग के लिए सबसे पहले हमने उन्हीं के लिए केक निकाला है। और हमारे घर में छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, हम अपने ससुर जी के लिए सबसे पहले ही मीठा निकालते हैं। इवन कि कोई मिठाई भी लाता है या हम भी लाते हैं ना, तो सबसे पहले मीठा हम उन्हीं के लिए ही निकालते हैं। तो बस दोबारा केक कट करा, और सब अब बर्थडे बॉय को केक खिलाएंगे, और बर्थडे बॉय सबको ही केक खिलाएगा अपने हाथों से। तो बस यही रिचुअल्स निभाए जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, और ये सब मेरे व्लॉग में कैद हो रहे हैं हमेशा एक याद बन के। और मैं जो यहाँ पे इतनी तेज़ हंस रही हूँ, ये इसलिए कि बच्चे को रुका ही नहीं जा रहा था गिफ्ट देने के लिए, और बन्नी से भी नहीं रुका जा रहा था गिफ्ट लेने के लिए। और मेरी तो जो हालत थी ना, क्या ही बताऊँ, जब बच्चे के बर्थडे में ऐसी हालत होगी तो मैं तो ये सोच रही थी कि इनकी शादियों में मेरा क्या होने वाला है। तो बस यहाँ पे सबने केक खा लिया है, बनी को सबने खिला दिया है, बस बनी का भाई रह गया है। तो अब बुला लेते हैं बनी के भाई को, यानी हनी को, और हनी का जो प्यारा दोस्त आया हुआ है उसी को भी बुला रही हूँ मैं इस टाइम, क्योंकि बस यही दोनों रह गए थे। क्योंकि हनी को ये लगता है मेरा व्लॉग बन जाए, तो उसका दोस्त भी उसी के साथ में था। चलिए मिलती हूँ आपसे। केक वगैरह कट गया, और बच्चों का हो रहा है बहुत तगड़ा हल्ला, और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी बना लेते हैं, बाकी बिरयानी और बटर चिकन जो है मैंने बना लिया है, फटाफट से बना लेते हैं रोटी। और बच्चे ऊपर जाने के लिए इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, गदर मच रहा है गदर। तो दोस्तों रोटी वगैरह बना ली है हमने, और यहाँ पे मैंने भाभी को बोला है कि बच्चों को खाना खिला दो, तो बस भाभी बच्चे को खाना खिला रही है। पांचों बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं, गाने का सॉन्ग्स का भूत इनके ऊपर से उतर गया है, नाच कूद के थक गए हैं, और कार्टून का भूत इनके ऊपर चढ़ गया, तो बस कार्टून देखते देखते ये लोग खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो क्लिप ले रही हूँ मैं, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की, और हम लोग रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, जिस वजह से मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। बच्चों को खाना खिलाया था, सिर्फ यहीं तक ही कंटिन्यू किया था, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डांस वगैरह किया और खाना वाना खाया, तो हम लोग सो गए थे। फिर भाई भाभी को भी रात को 2 बज गए थे हमारे घर से जाते जाते, क्योंकि जब सब लोग बैठते हैं ना तो काफ़ी सारी बातें इंजॉय
काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ में हमको टाइम लग गया है, तो इसलिए रात को व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। सुबह से फिर कंटिन्यू करा तो बनी से बिल्कुल रहा नहीं गया। वो अपने गिफ्ट्स को ओपन कर रहा है, जिसमें कि उसको हनी के दोस्त ने दिया है कलर किट, और ये उसके मामी मामा ने उसको वाटर बॉटल दी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बन्नी को सुबह उठते ही अपने जो हैं गिफ्ट देखने थे क्या क्या मिले हैं, तो बॉटल्स और कलर मिला है जैसे कि आपने देख लिया, और उसके चेहरे की खुशी भी देख ली आप लोगों ने। रात को व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए यहीं पे लेती हूँ आपसे प्यार भरी सी अलविदा। अगर ये व्लॉग बर्थडे व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, शब्बा खैर, बाय।